हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका दसी जीपीएससी कोच में। हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। 300 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सिलेबस में व्यापक बदलाव है। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में काफी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। तो आज के इस डिस्कशन में सिलेबस के ऊपर ही डिस्कस करते हुए तैयारी कैसे करें, किन चीजों पे ध्यान दें, कहाँ से रिसोर्स होगा, कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स को फॉलो करें, इसको लेकर के पूरा डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से इसका इंतजार था और बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी समय से तैयारी जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो समय है जहां पर आपको अपनी तैयारी को प्रारंभ से अंत तक लेकर के चयन की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, ये श्रेणी द नोटिफिकेशन 2024, कुल 300 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या कितनी है? 300 है। पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा इसका एग्जाम वगैरह कब होगा, इसकी हम बात करें इसको लेकर के, तो 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सीजी व्यापम state.gov.in जो वेबसाइट है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीजी व्यापम करके गूगल सर्च कीजिए और उसमें जाकर के हॉस्टल वार्डन जो है उस फोल्डर में जाइए और वहां जाकर के आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अभी से ही स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च की रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, डेट इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सिर्फ 12वीं पास है, 12th पास है। योग्यता सिर्फ 12वीं पास है, 12th पास है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, कोई भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, ध्यान दीजिएगा, उसको तीन शर्तों को पूरा करना है। जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, जो 12वीं पास हो चुका है, जो 12वीं पास हो चुका है, और तीसरा जो है जिसकी आयु 1 मार्च की स्थिति में 21 वर्ष पूरी हो चुकी है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष हो चुकी है। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं तो 1-1-2002 1 जनवरी 2002 के पूर्व, 1 जनवरी 2002 के पूर्व जो भी विद्यार्थियों का जिनका भी जन्म हुआ है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम आयु सभी प्रकार के छूट कर को मिला करके छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 45 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम आयु 45 वर्ष तक का है। ठीक, तो एज को लेकर के डाउट वाली बात बहुत रहती है, तो इसको दिक्कत हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा। एज का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी जो बातचीत है वो क्वालिफिकेशन को लेकर के है, क्योंकि उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर में जिनके पास डिग्री है उनको अधिमान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर में जिनके पास डिग्री है उनको अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी विद्यार्थी, अब देखिएगा, आपका 100 प्रश्नों का पेपर होना है, हॉस्टल वार्डन का 100 प्रश्नों का पेपर होना है, तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिसका नंबर जो है 83 आ गया, एक और विद्यार्थी है उसका भी नंबर 83 आ गया, पूर्णतः समान है, एकदम बराबर है, 0.001 से भी नंबर कम ज्यादा नहीं है, तो कोई भी दो विद्यार्थी यदि उनका अंक पूर्णतः समान है तो उनमें से जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री है उसको अधिमान्यता दी जाएगी, मतलब उसका चयन होगा, ये है इसका मतलब। लेकिन यदि एक स्टूडेंट का 83 मार्क्स है और दूसरे स्टूडेंट का 83.1 मार्क्स है
और इसके पास कंप्यूटर की डिग्री है, इसके पास डिग्री नहीं है, तो चूंकि इसके नंबर ज्यादा हैं तो इसका सिलेक्शन होगा। सीधे सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो यदि आप 12वीं पास हैं, आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 12वीं पास हैं, आपका एज 21 वर्ष के स्लैब में आता है, तो अप्लाई कीजिए और जबरदस्त रगड़ के तैयारी कीजिए। और कोई बात नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बात हो गई एज को लेकर के और क्वालिफिकेशन को लेकर के, ठीक। इसके बाद इसमें हम देखें कितने पदों का, तो कुल 300 पदों पर, इस 300 में से जो 29 पद हैं, तो इसमें देखिएगा 300 में से जो 29 पद हैं वो बैकलॉग श्रेणी के पद हैं। इससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखिएगा ओपन फॉर ऑल है। मतलब कि जो 300 पद हैं, यदि ये जिस प्रकार से आरक्षण का स्लैब है, ये जो 300 पद हैं ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, और आरक्षण जिस प्रकार से है उस हिसाब से आरक्षण के प्रतिशत, आरक्षण का जो रोस्टर है, तो आरक्षण रोस्टर के हिसाब से अंतिम रूप से चयन होगा। एग्जाम के बाद कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अनारक्षित मेल फीमेल, फिर ओबीसी मेल फीमेल, फिर एससी मेल फीमेल, फिर एसटी मेल फीमेल, और जो 300 पद हैं इस 300 पद का 1/3 हर हाल में महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर श्रेणी में, हर वर्ग में महिला वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होगी। तो आपका बिल्कुल भी कोई काम नहीं है कि सीटों के आरक्षण वगैरह कैसे है, क्या होगा, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, ये कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप बस 12वीं पास हैं तो जबरदस्त तरह से तैयारी कीजिए और कुछ नहीं, ये सब देखना आपका काम नहीं है। होता ये है कि स्टूडेंट्स इन चीजों पे फोकस करके उलझ जाते हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं, जिनको आपको ऐसा लगता है कि जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, कई वर्षों से तैयारी करते आ रहे हैं, वो कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में डाल देते हैं जिससे आप भ्रमित हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, मन करता है कि छोड़ो यार, तैयारी ना करें, नहीं होगा हमारा, इस तरह की बातों को आपके अंदर डाला जाता है अप्रत्यक्ष तौर पर। तो इससे आपको बच के रहना है। 300 पद कैटेगरी वाइज लिए जाएंगे, उसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा इसकी तैयारी पूर्णतः, इसकी पूरी तरह तैयारी करवाने के उद्देश्य से मैं अनीश गुप्ता और सौरभ सर, आप सौरभ सर की भी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर डेमो वीडियो के फॉर्मेट में देख सकते हैं, तो मैं और सौरभ सर मिलकर के ऑनलाइन कोर्स इसकी लेकर के आए हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो गूगल प्ले स्टोर होता है वहां से आपको द CGPSC ऐसा सर्च करना है, ठीक है। द CGPSC कोच गूगल प्ले स्टोर में जाइए अपने मोबाइल फोन में, और वहां पे द CGPSC कोच सर्च कीजिए। द CGPSC कोच के लोगो के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे नीचे स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर, स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आपको छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को ओपन करें, ओपन करने के बाद उस कोर्स के कंटेंट और कोर्स डिटेल को चेक करें। इसमें डेमो क्लासेस भी अभी हम अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स का फीस कितना है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम फीस के साथ ये कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपीज, और इसकी वैलिडिटी, देखिए एग्जाम डेट मेंशन नहीं किया है, अभी लोकसभा चुनाव वगैरह है और उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एग्जाम हो जाए, पर एग्जाम जल्दी होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4-5 साल लटकेगा, ठीक है। फिर भी हमने क्या किया है, कोर्स वैलिडिटी को रखा है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जैसे इस कोर्स में जो कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे, जो मैथ्स रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, जो GS हम पढ़ाएंगे, वो आने वाले समय में किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी बिना दोबारा पेमेंट किए, ध्यान दीजिएगा बिना दोबारा पेमेंट किए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आपको हर हाल में फायदा होगा, ठीक है। तो ये कोर्स वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और PDF नोट्स इस कोर्स के साथ आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है,
तो हॉस्टल वार्डन का जो टेस्ट सीरीज है वो उसी एप्लीकेशन में आपको हम अलग से प्रोवाइड करेंगे। ये भी अभी इसी हफ्ते स्टार्ट होने वाला है, इसका भी शेड्यूल और पूरी प्लानिंग का डिटेल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक के टेस्ट कब कब होंगे। आप सिर्फ द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करके उसको चेक कीजिए, और यदि आपको उस फॉर्मेट में उस प्लानिंग में चलना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। एक सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, अभी हॉस्टल वार्डन का न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है, तो जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा उसमें किसी भी प्रकार के पुराने जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो ओल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, वो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ओल्ड कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है वो सभी हटा दिए जाएंगे। अभी हॉस्टल वार्डन का जो न्यू बैच है उसमें कोई भी पुराने लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण है नया सिलेबस का जारी होना, और जो नया सिलेबस जारी हुआ है ना वो बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। अभी उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वहां पे अभी हम आने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार, सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, जिस तरह से पढ़ना है, और जो हॉस्टल वार्डन का अप्रोच होता है, ध्यान दीजिएगा हॉस्टल वार्डन में आपका कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का अप्रोच बहुत हाई लेवल पर होता है, जबरदस्त लेवल की इसकी तैयारी होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज दूसरे एग्जाम जैसा बिल्कुल नहीं होता है। कंप्यूटर में हर हाल में आपको 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है, मतलब कि 30 अंक के 30 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे, तो उसमें आपको 15 अंक मिलेंगे तभी आपके बाकी दूसरे पार्ट के जो अंक हैं वो जुड़ करके आप मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। यदि आपको कंप्यूटर में 30 में से 15 अंक नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई है। अरे बात समझ में, तो इस चीज का जबरदस्त तरह से ख्याल रखा जाएगा हमारी तरफ से, आपको भी रखना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये कोर्स फीचर की बात हुई। लैंग्वेज की हम बात करें तो बाइलैंग्वल क्लासेस होंगी। जैसा मैंने बताया कि प्रीवियस किसी भी क्लास को इस कोर्स में हम अवेलेबल नहीं कराएंगे, पूर्णतः नई क्लासेस होंगी जिसमें कुछ कंटेंट हम लाइव क्लासेस के माध्यम से लेंगे और लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी अवेलेबल कराएंगे, और कुछ कंटेंट हम डायरेक्ट रिकॉर्ड करके नई क्लासेस को, लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं, जो नए लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करके रेगुलर बेसिस पे एप्लीकेशन में अवेलेबल कराते जाएंगे। और अभी जो हमारी क्लासेस है वो 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी। एक सब्जेक्ट आपका होगा मैथ्स का, एक दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा कंप्यूटर का, और तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका होगा वो है बाल मनोविज्ञान का। और बाल मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें हम मूव करेंगे। जीएस में भी जो नए कंटेंट जुड़े हैं उसको हम पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बात होती है स्टडी मटेरियल की, तो देखिएगा हॉस्टल वार्डन के पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी सारी किताबें मार्केट में पहले से उपलब्ध हैं। आप लोगों को मेरा एकदम विशेष सलाह होगा, यदि आपको थोड़ा बहुत भी मेरे ऊपर भरोसा हो तो हॉस्टल वार्डन की जितनी भी पुरानी किताबें आपके पास है ना उसको अपने स्टडी टेबल से आप हटा दीजिए, पूरी तरह से उसको आप अपने स्टडी टेबल से हटा दीजिए। एकदम परफेक्ट सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नया बुक आता है उसको आप रीपर्चेस कीजिएगा। और हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके लगभग 15 से 20 मार्च तक द सीजीपीएससी कोच की जो हॉस्टल वार्डन का नोट्स वाला जो बुक है वो 15 से 20 मार्च तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, और इसको हम अपने एप्लीकेशन से ऑनलाइन भी अवेलेबल करा देंगे। इस बुक में ये सिर्फ हॉस्टल वार्डन के लिए समर्पित किताब होगी, और इसका जो पूरा कंटेंट है वो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपडेटेड कंटेंट होगा। हमारे बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि अत्यधिक पढ़ने से आपको रोका जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना वर्तमान दृष्टिकोण से बन रही है, वर्तमान पैटर्न से जैसे व्यापम मूव कर रहा है उसके हिसाब से बुक का कंटेंट डेवलप करके ये अवेलेबल कराया जाएगा। हो सकता है एक आध हफ्ते और डिले हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट जो मिलेगा वो शानदार मिलेगा। तो मेरा सलाह होगा कि हमारी बुक के लिए थोड़ा सा इंतजार करें और लगातार हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। अभी YouTube में डेली MCQs की प्रैक्टिस हम कराएंगे डेली, जैसे अभी बाल मनोविज्ञान की YouTube पर पूरी तरह से फ्री क्लास होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाल मनोविज्ञान वाला जो कंटेंट है उसके लिए YouTube पर पूरी तरह से फ्री क्लास होगी, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कराऊंगा। उसके लिए आप सिर्फ हमारा जो चैनल है द सीजीपीएससी कुछ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए,
और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है फ्री क्लासेस के लिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लास के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। इसके अलावा डेली 25-25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराते हुए जो जीएस वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट के, इस कोर्स पूरे क्वेश्चंस की मैं शानदार तरह से आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा। कंप्यूटर के सीरीज जो है, मैथमेटिक्स के जो सीरीज है, वो भी आपको यूट्यूब पर कुछ अवेलेबल होंगे गाइडलाइंस के फॉर्मेट में, डेमो क्लासेस के फॉर्मेट में। तो इन सारी चीजों के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। ठीक, फिर देखेंगे इसके सिलेबस को लेकर के। तो 100 अंक के 100 प्रश्न इन सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, कंप्यूटर का 30 अंक का 30 प्रश्न होगा, जिसमें 50% अंक मतलब कि 15 नंबर लाना अनिवार्य है। 50% मतलब कि 15 नंबर लाना अनिवार्य है। फिर गणित के 25 अंक के 25 प्रश्न, हिंदी के 5 अंक के 5 प्रश्न, अंग्रेजी के 5 अंक के 5 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान के 15 अंक के 15 प्रश्न। इसमें भी कुछ चीजें जो है ना, वो योगा वगैरह का कंटेंट जो है 4 अंक का ऐड कर दिया गया है, तो ये कंटेंट पूरी तरह से नया होगा। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, यहां से 5 अंक के 5 प्रश्न आएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर से 5 अंक के 5 प्रश्न और बाल मनोविज्ञान से 10 अंक के 10 प्रश्न। तो अभी मेरी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी, मेरी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी यूट्यूब पर, उसमें आपका बाल मनोविज्ञान से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मैं भारत का जो सामान्य ज्ञान है, फिर छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, फिर करंट अफेयर वगैरह जो है, फिर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। तो रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। और इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेली क्लासेस से प्रैक्टिस करवा करके आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने का मेरा पूरा प्रयास होगा। और यूट्यूब की क्लासेस हमारी पूरी तरह से फ्री है, उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। फिर ध्यान देंगे डिटेल सिलेबस की हम बात करें, तो इसका जो पीडीएफ है, डिटेल सिलेबस का जो पीडीएफ है, हमारा द सीजी पीएससी कोच टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं अवेलेबल करा देता हूं द सीजी पीएससी कोच टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहां पे जाकर के इस डिटेल पीडीएफ को आप देख सकते हैं, या व्यापम की साइट में जाकर के जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पर सिलेबस मेंशन किया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड करके भी, या फिर हमारे कोचिंग का जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8103166665, इस नंबर पे अपने नाम के साथ व्हाट्सएप में मैसेज करके भी ये सिलेबस आप अपने पास मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ, देखिए कौन से सब्जेक्ट से कितने अंक के प्रश्न आने हैं इसके ऊपर तो अभी हमने बात की। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मूव करना है, और जो चीजें सिलेबस में नहीं है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ सिलेबस को रखा गया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो टफ है वो आपका मैथ्स का 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन होने वाला है। यही आपके सिलेक्शन का कारण बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सभी सिलेबस में, इस पूरे सब्जेक्ट में, कंप्लीट सिलेबस में उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो यहां पर मेंशन किया हुआ है। और हमारी जो रेगुलर क्लासेस होगी, जैसा मैंने बताया कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, कोई भी पुराने वीडियोस इस कोर्स में हम आपको नहीं अवेलेबल कराएंगे, पूरी तरह से न्यू क्लासेस, फ्रेश क्लासेस, अभी तक उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चंस आए उसके अकॉर्डिंग। और अभी आज 2 मार्च है, तो 2 मार्च से लेकर के लगातार अभी 10 मार्च तक, 2 मार्च से 10 मार्च तक लगातार हमारी फ्री डेमो क्लासेस चलेगी। 2 मार्च से 10 मार्च तक अभी हमारी लगातार फ्री डेमो क्लास चलेगी। इस फ्री डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए आप ऐप डाउनलोड करके हॉस्टल वार्डन कोर्स का कंटेंट चेक करते रहें, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द सीजीपीएससी कोच जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें फ्री डेमो क्लासेस रेगुलर रिकॉर्ड करके अभी हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, डेमो क्लासेस जो है वो लाइव नहीं होंगी। समझ में आ रही बात? तो पूरी जो क्लासेस है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, और आपको भी पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही स्टडी करना है, ठीक है।
तो ये बात है बाल मनोविज्ञान से मेरी आज से क्लासेस स्टार्ट होगी, तो बाल मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी क्लासेस अभी बतौर डेमो यूट्यूब पर फ्री भी अवेलेबल रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप इस कोर्सेज में कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की क्लासेस सौरभ सर लेने वाले हैं, तो मैं और सौरभ सर मिलकर के अपनी पूरी एनर्जी लगाने जा रहे हैं हॉस्टल वार्डन की पूरी तैयारी कराने में और आपके आपका हर हाल में सिलेक्शन करवाने में। यदि आप भी इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं तो आइए जुड़िए हमारे साथ, मैं आपका स्वागत करता हूं। और बहुत शानदार जबरदस्त अकॉर्डिंग टू सिलेबस कम से कम क्लासेस कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी के कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नोट्स को लेकर के कंटेंट को लेकर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक्स हमारी बहुत जल्दी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, तो उसका भी बहुत बड़े स्तर पर आपको लाभ मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इंतजार रहेगा रेगुलर क्लासेस में आप सभी का।